जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ सुप्रीमो अजीत जोगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कुछ लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, इसका उनकी पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जितने लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा लोग रोज पार्टी से जुड़ रहे हैं। जोगी ने चुनाव में कांग्रेस और भाजपा से गठबंधन के सवाल पर कहा कि इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का उनकी पार्टी से किसी भी सूरत में गठबंधन नहीं हो सकता। जनता कांग्रेस सुप्रीमो के मुताबिक उन्होंने क्षेत्रीय हितों को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय पार्टी को छोड़कर क्षेत्रीय पार्टी का गठन किया है। इस स्थिति में कांग्रेस या भाजपा के साथ गठबंधन करने जनता के साथ धोखा होगा। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बसपा के साथ उनकी बात अभी आगे नहीं बढ़ी है। जोगी जी, अगर गठबंधन वाली बात आएगी तो क्या आप कांग्रेस से गठबंधन करेंगे? संभव ही नहीं है। एक राष्ट्रीय पार्टी से कैसे गठबंधन, जिन सिद्धांतों को लेकर क्षेत्रीय पार्टी का गठन किया गया है वे सारे सिद्धांत धराशायी हो जाएंगे। सर, बसपा से कोई बात आगे बढ़ी क्या? बहुजन समाज पार्टी ओम प्रकाश बुला लीजिए, मैं ओम प्रकाश आ गया। अभी कोई बात आगे नहीं बढ़ी है। अजीत जोगी ने रेणु जोगी के कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि रेणु जोगी फैसले लेने में स्वतंत्र हैं, हमने उन्हें फैसले लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी से रेणु जोगी के चुनाव लड़ने के फैसले को अजीत जोगी ने उनका निजी फैसला बताया। जोगी के मुताबिक उनकी बातों को लोग गंभीरता से ले रहे हैं, इसी वजह से लोग उनकी पार्टी से ज्यादा जुड़ रहे हैं। जोगी के कांग्रेस छोड़ने के बाद कांग्रेस नेता अब अजीत जोगी के शासनकाल की गलतियां गिना रहे हैं। पीसीसी चीफ भूपेश बघेल ने कल अपने एक बयान में कहा, जोगी के शासनकाल में हुई गलतियों की सजा व्यापारी उन्हें क्यों दे रहे हैं? भूपेश बघेल के सवाल पर पलटवार करते हुए अजीत जोगी ने कहा कि उनके शासनकाल में कारोबारी काफी खुश थे, इसलिए उस जमाने में जहां 700 राइस मिले थी जो बढ़कर 1600 तक पहुंच गई थी। इसके अलावा उद्योगों को उनके शासनकाल में सस्ती दर पर बिजली और अन्य खनिज संसाधन सस्ती दर पर दिए गए। जोगी नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्या आपके काल में जो है क्या इतना दहशत मच, व्यापारी जो भूपेश बघेल कह रहे हैं कि वो व्यक्ति अब हमारे साथ नहीं है? दुष्प्रचार और अफवाह से सावधान रहें। जितना प्रगति मेरे जमाने में व्यापारियों ने की आप पूछ सकते हैं। धान की मिलें सब बंद हो चुकी थी। मेरी नीति सर 700 की जगह 1600 धान की मिले होंगे। इसी तरह जितनी यूनिट्स स्पंज आयरन की, मिनी स्टील प्लांट की, स्टील प्लांट की थी, देश में सबसे कम बिजली का बिल मैंने व्यापारियों से उद्योगपतियों से लिया और उसका ये परिणाम है कि रायपुर आज स्टील मैन्युफैक्चरिंग में देश के अग्रणी स्थान में है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से हाल के दिनों में पार्टी छोड़कर गए नेता और कार्यकर्ताओं को लेकर अजीत जोगी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जो लोग पार्टी छोड़कर गए हैं उनका प्रचार ज्यादा हो रहा है, वहीं जो कांग्रेस और भाजपा छोड़कर रोज 200 व 250 कार्यकर्ता उनकी पार्टी से जुड़ रहे हैं उनकी किसी भी तरह से पब्लिसिटी नहीं हो रही है। बता दें कि आज ही बीरगांव और रायपुर ग्रामीण बीरगांव के पूर्व महापौर ओम प्रकाश देवांगन के नेतृत्व में से 400 से ज्यादा लोगों ने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का दामन थामा है। सर, कोरिया से इस्तीफे हुए हैं लगातार और भी कई जगहों से इस्तीफे की खबरें आ रही हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उसी को लेकर बता रहा हूँ कि 150 लोग चले गए तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ लोग 200 लोग 250 लोग नए लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा छोड़कर आते हैं उसकी पब्लिसिटी नहीं होगी, इसलिए मैंने आपको आज कष्ट दिया। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www